नाम है जयप्रकाश, आप देख रहे हैं अपनी वार्ता। ये लोग धनगर समाज के हैं। अभी आपने देखा होगा हमारे पहले वीडियो में कि बहराइच का हमने कवरेज किया था, तो वहाँ से इन लोगों ने अपनी लड़ाई जीत करके अब ब्लॉक स्तर पे इन लोग धरना पे बैठे हैं। तो आइए इन्हीं लोगों से बात करते हैं कि क्या बात है यहाँ के BDO साहब, क्या बात है यहाँ के ADO साहब और यहाँ के सचिव लोग, ऐसा क्या हो गया है कि जो जिला प्रशासन की जो कार्यवाही हुई, जिला प्रशासन का जो शासन आदेश है उसे मानने से इंकार कर रहे हैं, ये लोग क्यों धरने पर बैठे हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम बाल गोविंद धनकर है। 2 नवंबर को एक नया आदेश, इससे पहले तो कई आदेश आए लेकिन 2 नवंबर 2023 को एक नया आदेश आया। उसमें निदेशक पंचायती राज महोदय द्वारा कहा गया है समस्त जिलाधिकारी और समस्त DPRO को उत्तर प्रदेश को कि जो गड़रिया हैं तो उसमें जो धनगर हो उनको पूछ करके और गड़रिया के स्थान पर धनगर लिख दिया जाए, क्योंकि जो शासनादेश है 24 जनवरी 2019 का वो स्पष्ट कर रहा है कि धनगर ही गड़रिया है। आपका शासनादेश आपके पास है सारी चीजें, इसके बावजूद यहाँ क्यों नहीं हो रहा, उसके पीछे कौज कारण का पता चला नहीं? अब वो आदेश जब DPRO को आया तो DPRO ने ADO को भेजा और ADO को भेजना चाहिए समस्त सचिवों को, तो इन्होंने कुछ को रिसीव किया, कुछ को नहीं रिसीव कराया और तब तक ये गायब हो गए और इन्होंने कहा कि मैं करूंगा नहीं, नहीं करेंगे। हमने कहा तो नहीं कर रहे हो तो लिख कर दे दो। अब ये बता रहे हैं शासनादेश गलत है, तो मैं कह रहा हूँ कि लिख कर दे दो गलत है, तो ये लिख कर भी नहीं दे पर और बिना बताए कार्यालय से भाग गए। आज 1 तारीख से 1 तारीख को सिमरी मलमला के जो सचिव थे जितेंद्र वर्मा जी, वो जब हम लोग आए अपने समूह सहित, उन्होंने हमको बधाई दिया कि आप लोगों को जिले से जीत मिल गई है, मान्यता मिल गई है, आदेश हो गया, हम आपका जारी कर देंगे और सोमवार से कर देंगे हम लोग सोमवार को आए, वो तब से गायब है। ADO साहब भी गायब है, यहाँ कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। ये BDO साहब से कहा तो BDO साहब भी गायब है, यहाँ कोई सुनाई नहीं हो रही। तो अगर यहाँ ये कार्यालय है, अगर बात किया जाए यहाँ पर इस ब्लॉक की बात किया जाए, तो यहाँ पर करीब 5.5 लाख की पॉपुलेशन है जिसका विकास इस विकास खंड से जाता है, लेकिन यहाँ पर विगत करीब हम बता रहे हैं कि 1 हफ्ते से जो यहाँ पर सरकारी कर्मचारी हैं, BDO हुआ, ADO हुआ, जो यहाँ सचिव हैं, ये लोग आ नहीं रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि वो हराम की कमाई लेते हैं, अगर वो लोग नहीं आते हैं तो उनकी अटेंडेंस कौन लगाता है? अगर उनकी अटेंडेंस लगाता है तो कहाँ से लगती है? क्योंकि अब इतना जब योगी सरकार इतने ज्वलंत मुख्यमंत्री हैं कि लोग अन्य प्रदेशों में उनकी मांग कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ का प्रशासन, यहाँ के जो अधिकारी हैं, वो उनकी बात नहीं मान रहे हैं, जो उनके जो शासनादेश हैं, यहाँ के जिला के जो शासनादेश हैं, DPRO के शासनादेश हैं, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट शासनादेश हैं, भारत सरकार के शासनादेश हैं, अगर उन शासनादेशों को यहाँ के अधिकारी नहीं मान रहे हैं तो हमें लगता है कि क्या यहाँ पर हो रहा है। अब हमसे तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा है, 1-1 हफ्ते हो जा रहा है यहाँ पर कोई कार्यक्रम, अधिकारी आ ही नहीं रहा, यहाँ पर आया ही नहीं। BDO साहब का कार्यालय खुला है, वहाँ पर है नहीं। ADO साहब वो है नहीं, कार्यालय खाली है। अटेंडेंस फिर उनकी कैसी लग रही होगी? अगर अटेंडेंस नहीं लग रही है तो भाई साहब छुट्टी ले तो कहाँ से छुट्टी ले? यहाँ पर कोई बताए कि इतने से इतनी छुट्टी लेकर गए, वो भी यहाँ पर कोई पत्र है? आप लोगों को छुट्टी की कोई सूचना मिली है? यहाँ पर इस कड़ाके के ठंड में महिलाएं, बच्चे, पुरुष सारे करीब 5-5 वर्ष के बच्चे अपने हक के लिए यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन यहाँ ये सत्ता के दलाल जो आंख में पट्टी बांधे हुए हैं, कान में कॉटन भरे हुए हैं, वो किसी के बहकावे में आकर के यहाँ का जो कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, बहुत शोचनीय और बहुत निंदनीय है। यहाँ का प्रशासन उन्हें संज्ञान में लेना चाहिए। अध्यक्ष जी, आप वकील साहब, क्या आपने क्या मतलब यहाँ पर कुछ कार्यवाही हो पाई है कि नहीं हो पाई है? मेरा नाम शिवनंदन धनकर एडवोकेट, मैं मंडल अध्यक्ष हूँ और यहाँ पर जो है 29/11 को जब से आदेश हुआ है और 30 तारीख से हम लोग यहाँ ब्लॉक के चक्कर काट रहे हैं और यहाँ कोई भी सचिव अपने कार्यालय में नहीं मिल रहा है और ना तो ADO साहब एक दिन मिले, वो भी जो है कह रहे हैं मेरे ये शासनादेश मेरे समझ में नहीं आ रहा है। सारे सचिव ये कह रहे हैं कि ये शासनादेश जो आया है ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा तो सचिव, एक मिनट, अगर यहाँ का जो शासनादेश है किसी सचिव को समझ नहीं आ रहा है तो भैया किसी स्कूल के पढ़े हुए हो, या तो आप अनपढ़ गंवार हो, या तो आपके DPRO साहब या DM साहब वो अनपढ़ गंवार हैं, दो में से एक तो अनपढ़ गंवार होगा ही, क्योंकि उन्होंने अगर लिख कर दिया है आपको समझ नहीं आ रहा है तो या तो उन्होंने गलत लिखा है तो अनपढ़ गंवार वो हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट होंगे, या तो आप अनपढ़ गंवार हैं, वो दोनों में से एक तो ऐसा होगा। क्योंकि जब DP मतलब शासनादेश कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, कमेटी बैठती है उसके बीच में बंद कराता है, उसके बावजूद अगर समझ नहीं आ रहा है तो या तो आपके ऊपर किसी का प्रेशर है या कुछ, क्या आपको यहाँ पर लगता है कि पॉलिटिकल वो आ रही है कि कोई पॉलिटिकल यहाँ पर किसी को प्रेशर बनाया जा रहा है? देखिए 18 अक्टूबर से हम लोग जब से शुरू किए हैं धरना वहाँ जिले का, तब से और आज तक यहाँ
यहाँ मेहपुरवा ब्लॉक में जब धरना शुरू हुआ है, यहाँ तक के मेरे संगठन के ऊपर या मेरे इस धरने के संबंध में कई लोगों ने यहाँ आकर के और प्रदूषण फैलाया। इस मैं यहाँ के जो प्रतिनिधि उन लोगों से बोलना चाहूँगा कि भाई साहब, आप यही पॉपुलेशन है, यही वो जनता है जिनके वोट से आप मुख्य विधायक और सांसद बनकर के पार्लियामेंट में जाते हैं, तो यहाँ पर आपको भी आना चाहिए, इनसे हालचाल लेना चाहिए कि क्या है भाई। 3-4 महीने के बाद चुनाव आ रहा है, तब आप भीख कटोरे जैसे कटोरा लेकर के लोगों के द्वार द्वार पहुंच जाएंगे, भैया हमें वोट दो, हमें वोट दो, हमें वोट दो, हमें, हम तुम्हारा बड़ा विकास करेंगे। लेकिन अब यहाँ आकर के अगर इनका दुख दर्द समझते तो हमें लगता है कि हाँ, हम सच में आप हमारे शुभचिंतक हैं या हमारे दर्द को आप जानते हैं, या तो आप भ्रष्ट हैं या तो आप रुकवाना चाह रहे हैं। नहीं रुकवाना चाहिए तो आप यहाँ पर आए, इन लोगों का दुख दर्द को समझिए, और नहीं समझ रहे हैं तो सीधे से बात है कि आप ही इस प्रशासनिक लोगों को अपने पावर में आकर के लोगों का कार्य होने नहीं दे रहे हैं। आप लोगों के आगे की क्या प्रतिक्रिया है, अगर कार्यक्रम नहीं होता तो क्या करने वाले हैं, कुछ आपने सोचा है? नहीं, हम लोगों ने सोचा है, अभी तक तो हम मांग कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं अधिकारियों का। और मैं अपने एप्लीकेशन के साथ में एक शपथ पत्र दे रहा हूँ जिसमें मैं संपूर्ण जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ। मैंने अपने शपथ पत्र में यह भी लिख दिया है कि जो मैं अपने बयान कर रहा हूं उसमें यदि भविष्य में मेरे द्वारा कोई गलत सूचना पाई जाए तो उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व मैं स्वयं हूंगा। विभाग इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, तो मैं सारी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं। इसके बावजूद यहां कर्मचारी लोग कह रहे हैं कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है इसमें आदेश कैसा है, और वो न तो हमको मिलते हैं कि उनको मैं समझा सकूं। लिखित दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, लिखित भी नहीं दे रहे हैं, लिखित भी नहीं दे रहे हैं, तो ये तो बड़ी बात है कि हवा हवाई में बात करके उड़ा दो कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो लिखित के दे दीजिए, आपके पास कलम होगी। अगर भैया आपके पास कलम नहीं तो हमसे ले लीजिए पैसा, हम आपको कलम ला कर दे दें, कागज दे दें, आप लिख कर दे दीजिए, इतना पढ़े लिखे होंगे। वो भी नहीं होता तो हम लिख कर दे दें, आप साइन करके दे दीजिए उसमें कि हमने ऐसा लिखा है। आपका क्या नाम, आप यहीं के रहने वाले? कौशल कुमार। कौशल कुमार जी, तो ये जो धरना आपने, धरने में आप भी इकट्ठा है, क्या कहना चाहेंगे आप अपने अधिकारियों को? हम अपना अधिकार मांग रहे हैं यहाँ सब लोग। अगर अधिकार नहीं मिला तो क्या करेंगे? तो हम लोग तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, बहुत कुछ कर सकते हैं अपने जो है अधिकार के लिए। हाँ। हम कुछ भी कर सकते हैं, इसका तो कोई सोच नहीं सकता है क्या कर सकते हैं। तो धनकर समाज अपना जो है मांग रहे हैं, कोई दूसरे के लिए। हाँ। नहीं मांग रहे हैं। तो ये चीजें है कि अभी वक्त है, समझ जाओ, नहीं तो आपने पढ़ा होगा मराठा आंदोलन, आपने ये भी देखा होगा जाट का आंदोलन जो हुआ तो ट्रेन की पटरियां उखाड़ दी गई थी, बहुत सारे उपद्रव भी होने लगता है। लेकिन हमें आशा है लोग ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी अगर इनकी मांग है तो एक मिनट हम थोड़ा महिलाएं इधर दिखा दें, महिलाएं इधर हैं। आप लोग यहीं के रहने वाले हो? हाँ, रहने वाले। तो यहीं खाना पानी खात हो? और कहाँ खाई, ठंड ना लगा थे? ठंड क्या करेंगे, ठंड लगता है तो क्या करेंगे। तो किस लिए यहाँ पर बैठे हो आप लोग? हम लोग अपने पद पर बैठे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आप लोगों का या जो यहाँ जाति प्रमाण पत्र नहीं बने उसके लिए बैठे? हाँ, बैठे हैं। तो ये सारी ये महिलाएं यहाँ पर हैं जो अपने अधिकार के लिए यहाँ पर खड़ी हैं। अध्यक्ष जी, क्या क्या बोल रहे थे आप जी? मेरा कहना ये है कि जिस भी पॉलिटिकल नेताओं के दबाव में ये लोग हैं, मैं उनको ये कहना चाह रहा हूँ कि धनगर समाज पहले भी जिंदा था और आज भी जिंदा है, और धनगर समाज जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद था, जिंदाबाद है। हाँ। और जिंदाबाद रहेगा। हाँ। हम लोग 2 दिन तक इंतजार करेंगे। अच्छा। क्योंकि अभी 2 दिन पहले मैं ATM से मिला और हमने कहा कि साहब आपने आदेश करवाया और हम लोग का वहाँ कहीं नहीं सुनी जा रही है, तो खासकर मेहपुरवा ब्लॉक, और इसमें एक ADO के खास कमाऊ एक बेटा की तरह जितेंद्र कुमार सिक्योरिटी हैं। मैं उनको कहना चाह रहा हूं कि वो भागे भागे घूम रहे हैं। क्यों भागे घूम रहे हैं? अगर मेरी बात नहीं मानते हैं, परिवार शुद्ध नहीं करते हैं, तो ADO साहब के, ADM साहब को हमने बता दिया है, BDO साहब को बता दिया है, और ADO साहब को भी मैंने बता दिया है उनके कार्यालय में जा करके कि 2 दिन का इंतजार करेंगे। अगर 2 दिन में हमारा काम चालू नहीं होता है तो हम लोग कोई भी बड़ा निर्णय कर सकते हैं। हम ट्रेन भी रोक सकते हैं, हम चक्का भी जाम कर सकते हैं।